और राइट फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक चैप्टर नंबर 7 अपन ने कंप्लीट किया, कैपिटल बजटिंग। एंड फ्रेंड्स, उसी का एक फर्दर एडजस्टमेंट अगर अपन करते हैं तो ये टॉपिक आपका आता है, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज ए चैप्टर 8 आपका ये रहेगा, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। बराबर। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग से ही मैं आपको बोलता चला आ रहा हूँ कि आपको कैसे चीज़ों को समझना है करके, ना चीज़ को कैसे समझना है। मैंने आपको बोला था कि यू रिमेंबर माय एग्जांपल दैट दिस इज योर डीकेसी एंड नाउ दिस इज रजिस्टर्ड। बराबर। अभी ये इसका फर्दर एक एडजस्टमेंट है, कैपिटल बजटिंग जो टॉपिक है उसका एक फर्दर एनालिसिस अपन करेंगे, राइट, कि हम जो बोल रहे हैं उसका क्या चांसेज है ऐसा होने का। जैसे सपोज मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था कि भाई हम लोग डीकेसी के बारे में क्या सोचते हैं, है ना, हम डीकेसी का ये दाने की कॉस्टिंग है इसका किस तरह से हम बिजनेस करना चाहते हैं, राइट, दिस इज योर दाने की कॉस्टिंग, राइट, दाने की कॉस्टिंग का बिजनेस हम किस तरह से करना चाहते हैं, वो आप ज़रा ध्यान से सुनिए। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है कि कोई भी अपने को सब्जेक्ट पढ़ना है उसको 3 पार्ट में आप डिवाइड करिए। पहला है आपका प्रिपरेशन, राइट, दूसरा है आपका रिवीजन, एंड तीसरा है आपका हाउ टू अटेम्प्ट। एंड दिस प्रिपरेशन पार्ट यू डिवाइड इन टू व्हाट इज टॉपिक इटसेल्फ, आपका टॉपिक क्या है, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस क्या, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि मुझे बिजनेस करना है दाने की कॉस्टिंग, ये केस स्टडी आप समझने का कोशिश करिए। ये हमारे CA फाइनल कॉस्टिंग का केस स्टडी है, वह मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज ए केस स्टडी, राइट। हम लोगों ने DKC को रजिस्टर्ड करा लिया है, ओके, DKC अपना रजिस्टर्ड हो गया है, इट्स ए नेम रजिस्टर्ड हो गया है DKC का। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे हम ये चाहते हैं कि जो लोग अपना नया बिजनेस करते हैं, राइट, जैसे सपोज अगर आपको अपनी CA की एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करनी है, राइट, उसका नाम या तो आप रखोगे सोनू क्लासेस। अब सोनू क्लासेस में आपने रखा तो आपको सालों हो जाएंगे लोगों को समझाने में, क्योंकि यू आर न्यू इन टू द मार्केट, आप क्या हो, आप नए हो मार्केट में, आपको लोग बोलेंगे अरे कौन सोनू क्लासेस, कौन प्रोफेसर पढ़ाएगा, क्या है, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। उसकी जगह अगर आप रखते हो कि रिलायंस क्लासेस विद रिलायंस का लोगो लगा के, तो लोगों को भरोसा ज़्यादा आएगा। क्यों भरोसा ज़्यादा आएगा, बिकॉज रिलायंस इज ए वेरी पॉपुलर कंपनी, रिलायंस बहुत पॉपुलर कंपनी है, लोग यहाँ पे सोनू के बारे में पूछेंगे रिलायंस के में तो तुरंत लोग एडमिशन लेना स्टार्ट कर देंगे, कोई भी पॉपुलर है अगर वो आपने यूज़ किया, इसके लिए तो फ्रेंचाइजी कंसेप्ट रहता है ना करके, अगर आपने रिलायंस के नाम से क्लास खोली तो आपका क्लास इमीडिएटली चलने लग जाएगा। हम लोग क्या कंसेप्ट लेके आ रहे हैं कि हम लोग आपको यूज करने को देंगे नाम DKC, आपको हमारा दानी की कॉस्टिंग नाम यूज करके अपना बिजनेस करना है, तो सबसे पहले हम दानी की कॉस्टिंग को पॉपुलर करेंगे, राइट, ये केस स्टडी मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ, आप इससे समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। हम 100 करोड़ रुपीज खर्चा करके इसका पूरा एडवर्टीजमेंट करके इसको क्या करेंगे, पॉपुलर। दुनिया की कोई भी ऐसी जगह है, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो एयरपोर्ट है, कहीं पर भी दुनिया की कोई भी जगह पर भी हम ये 100 रुपीज़ को खर्च करके हमारी जो ब्रांड है DKC उसको सिर्फ पॉपुलर करेंगे। DKC लोग कहने चाहिए यार ये दाने की कॉस्टिंग क्या है,
ये दाने की कॉस्टिंग क्या है, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको पॉपुलर करेंगे, बराबर। और ये पॉपुलर करने के टाइम पे, बिकॉज आई एम ए कॉस्टिंग प्रोफेसर, मैं इसको पॉपुलर करने के टाइम पे भी, बिकॉज आई एम ए कॉस्टिंग प्रोफेसर, तो हम आपको ऐसे ही इसको पॉपुलर नहीं करेंगे। जैसे सपोज आपका एक रेलवे स्टेशन पर ये बोर्ड है, नॉर्मली आप बोलते हो कि भाई हम आपसे 1 लाख रुपीज़ पर मंथ लेंगे, अगर आप इस पर एडवर्टीजमेंट करते हो। हम बोलते हैं नहीं भाई, अगर आपके पास कोई 1 लाख रुपीज़ वाला कस्टमर है, पहले आप उसको दे दो, आप उसका ऐड करो। अगर आपका ये बोर्ड खाली है तो हम आपको लेबर कॉस्ट प्लस थोड़ा प्रॉफिट दे देंगे, और जब आपको वापस कस्टमर मिले तो आप हटा देना हमारा ये डीकेसी का बोर्ड, आप अपने कस्टमर का लगा देना। तो हमारा ये काम 10% में ही हो जाएगा। हमको ऐसी जगह ये खर्चा करना है कि हमारा कम से कम कॉस्ट में हमको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलरिटी मिले। सारे कॉलेज, CA इंस्टीट्यूट की जितनी भी बुक्स, CA स्टूडेंट को जहाँ जो मिलता है वहाँ दाने की कॉस्टिंग दा। लोग एयरपोर्ट पे, आपका CNBC चैनल पे अगर जो आप देखते होंगे ना, जिस लैपटॉप पे वो काम करते हैं उस पे दाने की कॉस्टिंग, दाने की कॉस्टिंग मंस पॉपुलर हो गया। दाने की कॉस्टिंग को एक बार क्या करना है, पॉपुलर करना है। पॉपुलर करने के बाद ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स योर इनिशियल आउटफ्लो। अब इसमें बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और उसमें एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सपोज मैं सोच रहा हूँ कि हमको 1 लाख कस्टमर चाहिए, टोटल 1 लाख कस्टमर्स ऐसे चाहिए, 1 लाख कस्टमर्स चाहिए जो हमें साल का 12,000 रुपीज़ देंगे। इसका मतलब 1,000 रुपीज़ पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, इट मीन्स हमारा जो कलेक्शन है वो हो जाएगा 120 करोड़ का। इट मीन्स 1 लाख इंटू 12,000 रुपीज़, 120 करोड़ का हमारा खर्चा हो जाएगा। उस खर्चे से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें पहले हम देंगे लोगों को कमीशन। कमीशन का आपका फिगर रहेगा सपोज से 30%, इट मीन्स 120 का ये आपका चला जाएगा 36। फर्दर हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, वापस से हंड्रेड लैक्स का तो इनिशियल हमारा आउटफ्लो हो गया, 100 लैक्स का इनिशियल आउटफ्लो हमारा हो गया, बराबर। अब हम फर्दर जैसे ही वो एक साल के लिए बिजनेस मिला, उसमें हम वापस से 50% खर्चा कर देंगे। 50% ऑफ 120 करोड़, इट मीन्स 60 करोड़, बराबर। आपके पास अब क्या बचा, आपका नेट प्रॉफिट बचा, दिस इज 20% ऑफ 120 करोड़, इट मीन्स 24 crore। ये कमीशन हम किन लोगों को देंगे, जो लोग हमें ये कस्टमर ला के देंगे, ये उनको समझाएंगे कि भाई देखिए आप अपना नया बिजनेस करते हो, नए बिजनेस का नाम को पॉपुलर करने में आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसकी जगह हम आपको अपना ब्रांड नेम यूज करने, ये नया कंसेप्ट मैंने सोचा है कि आप हमारा ब्रांड का नेम यूज करिए। आपको दाने की कॉस्टिंग के नाम से अपनी शॉप को खोलना है, आपकी कंपनी का नाम आपको दाने की कॉस्टिंग रखना है, और हमारे और आपके बीच में एग्रीमेंट रहेगा, वी विल चार्ज यू ओनली अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, 1,000 रुपीज़ पर मंथ। उसमें हम आपको एडवर्टीजमेंट करके देंगे, पॉपुलर करके देंगे हर साल। आर यू गेटिंग? एंड ऑलरेडी जब अभी आप क्यों नहीं समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हम पॉपुलर नहीं। अभी आप सोचो अगर रिलायंस ये देना शुरू कर दे, रिलायंस लोगों को बोले कि भी चलो आप हमें 1,000 रुपये महीने दो, साल की 12,000 दो, और आप हमारा नाम यूज करो, देखो कितने लोग आ जाएंगे लेने के लिए। आर यू गेटिंग? ऐसे ही पहले हम इसको पॉपुलर करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, 100 करोड़। 100 करोड़ से हम क्या, हमें क्या धंधा होगा कि हम पहले साल में, फर्स्ट ईयर में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें 1 लाख कस्टमर मिलेंगे, और एक कस्टमर से हमें कितना मिलेगा, 12,000। तो 12,000 अपना लाख रुपए का हमारा कलेक्शन हो जाएगा, इट मीन्स 120 करोड़ का हमारा कलेक्शन हो जाएगा। उस कलेक्शन का 36 करोड़ हम लोग वापस से कमीशन में बांट देंगे, जो लोगों के पास जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि देखो भाई अगर आप रिलायंस नाम रखोगे तो आपका धंधा फटाफट चलने लगेगा, अगर आप अपना नाम रखोगे तो ये लोगों को, ये उनका कौन है, ये कमीशन एजेंट का काम है, उसका चेक लाना और उसको समझाना वो कमीशन एजेंट का काम है, और ऐसे कमीशन एजेंट बहुत अपने को मिल जाते करके। फिर फर्दर हम ऐड करेंगे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, CNBC चैनल, सब दुनिया भर की जगह पे वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करेंगे। बाकी का हमें नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 24 करोड़। ये हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट, दिस इज माय
नेट प्रॉफिट। तो कैपिटल बजटिंग में इसका मतलब ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा 100 करोड़, कितना इन्वेस्टमेंट था बोलो 100 करोड़। व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? इट्स ए प्लानिंग फॉर कैपिटल एसेट्स, इट इज ए प्लानिंग फॉर कैपिटल एसेट्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, राइट। और ये हमारा इनफ्लो हो जाएगा, ये हमारा इनफ्लो हो जाएगा, लेकिन ये 120 करोड़ हमको मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? कोई भी हमको ये भी पूछेगा, सर आप है हवा में क्या बात कर रहे हो? तो इसके लिए जो नेक्स्ट अपना कंसेप्ट आ रहा है, दिस के रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। ये 120 करोड़ हमको मिलेगा, इसका क्या चांसेज है, क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर इसको, अगर इस इनफ्लो को इफ आई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, आई विल गेट द एक्सपेक्टेड इनफ्लो, आई विल गेट द एक्सपेक्टेड इनफ्लो, एक्सपेक्टेड इनफ्लो सपोज जो भी प्रोबेबिलिटीज का रहेगा, सपोज आप बोलते हो कि प्रोबेबिलिटी फुल है अपना, तो अपना हमारा क्या हो जाएगा 120 करोड़, दिस विल बी योर एक्सपेक्टेड इनफ्लो। इसका मतलब अभी तक जो अपन ने किया था वो सिंपल अपन ने किया था कैपिटल बजटिंग में, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में ये मिलेगा, सेकंड में ये मिलेगा, थर्ड में ये मिलेगा, सपोज यहाँ पे 100 करोड़ मिलेगा, यहाँ पे 50 करोड़ मिलेगा, यहाँ पे 80, लेकिन ये मिलेगा उसका चांस क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके लिए ये चैप्टर आपका आता है। और इस चैप्टर को हम बोलेंगे रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, ये हमारा आएगा। यहां पे आपको रिस्क फैक्टर्स को भी कंसीडर करना है, ये सभी उसमें और भी आएंगे कि सपोज 120 करोड़ है, आपको 100 करोड़ भी मिल सकता है, बराबर, आपको 80 करोड़ भी मिल सकता है, आपको 150 करोड़, तो फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस, वेरियंस वो सब आएंगे अपने। लेकिन राइट नाउ टेक्निकली आप मत समझिए, राइट नाउ कोई भी चीज़ को टेक्निकली मत समझिए, राइट नाउ कि कैसे सॉल्व होगा, सॉल्यूशन पार्ट उसको आप समझ लीजिए। इसका मतलब अगर आपको निकालना है एक्सपेक्टेड 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 इनफ्लो, क्या हो जाएगा आपका इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, ये आपका आता है एक्सपेक्टेड एनपीवी, इट मींस आपका क्या हो जाएगा एनपीवी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड इनफ्लो आपका क्या रहेगा इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, एंड एक्सपेक्टेड एनपीबी आपका क्या रहेगा एनपीबी मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी, तो आपका काम हो जाएगा करके ना। एक्सपेक्टेड इनफ्लो आपका क्या रहेगा इनफ्लो मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी, और एक्सपेक्टेड एनपीबी आपका क्या रहेगा एनपीबी मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब आप जरा थोड़ा सा सम्स को लेते तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, राइट। आप इलस्ट्रेशन 1 लीजिए, पेज नंबर 8.1, इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 8.1 मिला फ्रेंड्स आपको, इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 8.1, इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 8.1, इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 8.1, ओके फ्रेंड्स। पॉसिबल नेट कैश फ्लो फॉर प्रोजेक्ट ए एंड बी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड देयर प्रोबेबिलिटीज आर गिवन बिलो, डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दे रखा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, और उसके साथ साथ आपको क्या दे रखे हैं इनफ्लो। पॉसिबल नेट कैश फ्लो फॉर प्रोजेक्ट ए एंड बी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड देयर प्रोबेबिलिटीज आर गिवन बिलो, डिस्काउंट रेट एट द रेट ऑफ 10%, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 10,000, वो आपको दे रखा है 10,000। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ईच प्रोजेक्ट, स्टेट विच प्रोजेक्ट इज प्रेफरेबल, इट मीन्स आपका इनिशियल आउटफ्लो कितना है 10,000 है, इनफ्लो आपको दे रखे हैं
प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको 10% दे रखा है ना। आपको क्या बताना है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। एनपीवी क्या होता है बोलो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। देखो जरा, पहला इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग नेट प्रेजेंट वैल्यू, राइट, दिस इज पॉसिबल इवेंट, राइट, उसमें ये आपका कैश फ्लो, ओके, ये आपका प्रोजेक्ट ए, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी आपको क्या आएगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, बराबर। पॉसिबल है ए बी सी डी ई, राइट। कैश फ्लो है आपका ए में 8,000, देन 10,000, देन 12,000, देन 14,000 एंड देन 16,000। प्रोबेबिलिटी इट मीन्स 0.10, 0.20, 0.40, 0.20, 0.10। ओके, इट मीन्स 8,000 इंटू 0.10 800, ऑल फिगर्स इन रुपीज टर्म्स, देन 10,000 इंटू 0.2 2,000, 12,000 इंटू 0.4 4,800, 14,000 इंटू 0.2 2,800, 16,000 इंटू 0.10 1,600, 800, 2,000 800, 2,800 एंड 1,600, इट मीन्स दिस कम्स टू 12,000। सही है, सुनो, मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% आपको क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। डिस्काउंटिंग फैक्टर मैंने क्या बताया था, 10% का क्या रहेगा, 100 डिवाइडेड बाय 110, दिस कम्स टू 0.909 एंड 12,000 इंटू 0.909 दिस कम्स टू 10,908। ओके, नाउ आउटफ्लो ये तो सर्टेन है आपका 10,000, बिकॉज आज की डेट में वैल्यू 1,10,000 और आपका एनपीवी, एनपीवी एक्सपेक्टेड एनपीवी, एक्सपेक्टेड एनपीवी आपका रहेगा 908। सही है सोना फ्रेंड्स, ओके, स्टेटमेंट शोइंग नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, पॉसिबल इवेंट ए बी सी डी ई, कैश इनफ्लो 8,000, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, प्रोबेबिलिटी आपको दे ही रखा है, इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ गया, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाई कैश फ्लो,
ठीक है, ये आपका टोटल आ गया, ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये आपका टोटल 10,000 इंटू 1 10,000 एंड एक्सपेक्टेड एनपीवी आपका क्या आ जाएगा 908। मतलब अभी तक अपन क्या करते थे, ये कैश फ्लो, कैश फ्लो तो मिलेगा, कोई भी अपनी को बोला सर कैश फ्लो तो आपका हम मान रहे, चलो आपको कैश फ्लो मिलेगा, लेकिन चांसेस क्या है? आप सर बोल रहे हो 1 लाख कस्टमर आपको डीकेसी यूज करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उसका चांसेस क्या है? और भी आगे चल के आएगा सर्टेनली इक्विपमेंट नहीं, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड हो गया आपका, इसका मतलब ये आपको कैश फ्लो मिलेगा, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी ये है, तभी तो आपको ये वैल्यू ये आपको मिल रहा है कि भाई अगर ये ऐसा हुआ तो अपने को ये मिलेगा टोटल इनफ्लो। एंड टोटल इनफ्लो कब मिलेगा? एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो आज की डेट में व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू मीन्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 10%, 10,000। और हम लोग इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं? 10,000। तो हमारा एनपीवी क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड एनपीवी हमारा हो जाएगा 908। बोलो ऑलराइट। अब आप आ जाइए बी का, अगर अपन देखें ओके, बी में आ जाइए, प्रोजेक्ट बी का आप देख लीजिए, सेम एग्जैक्टली सेम प्रेजेंटेशन बी का आप जरा देख लीजिए, एग्जैक्टली सेम प्रेजेंटेशन। ये आपका ए का हो गया, सॉल्यूशन बुक आपके पास है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप जरा समझते रहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ करके ना, फ्रेंड्स समझते रहिए आप कि मैं क्या लिख रहा हूँ करके ना। दिस इज आपका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बी, स्टेटमेंट शोइंग नेट प्रेजेंट वैल्यू, पॉसिबल इवेंट, कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10%, प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो प्रोजेक्ट बी में क्या बोल रहा है, 24,000, 20,000, 16,000, 12,000, 8,000। बोलो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन आपके पास है, आप जरा कॉन्सेंट्रेट करिए, स्टेटमेंट शोइंग नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड दिस इज योर प्रोजेक्ट बी, स्टेटमेंट शोइंग नेट प्रेजेंट वैल्यू, राइट, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट बी पॉसिबल इवेंट ए बी सी डी ई, 24,000, 20,000, 16,000, 12,000, 8,000, मल्टीप्लाई प्रायोरिटी यू विल गेट द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर यू विल गेट द प्रेजेंट इनफ्लो। सही है, सुनो ओके, मल्टीप्लाई करिए आप 0.10, 0.15, 0.50, 0.15 एंड 0.,, इट मीन्स दिस इज योर 24,000 इंटू 0.10 इज 2,400, 20,000 इंटू 0.15 इज 3,000, 16,000 इंटू 0.5 इज 8,000, 12,000 इंटू 0.15 इज 1,800, 8,000 इंटू 0.1 इज 800। इट मीन्स 2,400 प्लस 3,000 प्लस 8,000 प्लस 1,800, 800 इज 16,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110, 909 इंटू 16,000 इज 14,545, देन आपका आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू है 10,000, आज की डेट में वैल्यू 1 ही रहेगा क्योंकि टुडे वैल्यू इज, इट मीन्स योर एक्सपेक्टेड NPV will be
4545, ये क्लियर हुआ कि स्टेटमेंट शोइंग नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट बी पॉसिबल इवेंट कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू ए बी सी डी ई आपका कैश फ्लो है मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी की आपने फ्रेंड्स आपको क्या मिलेगा ये टोटल आपका इनफ्लो आ गया ये आपका आ गया 10,000 ये आपका आ गया एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका क्या बचेगा से इसका मतलब कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है इज इट बी ओनली बिकॉज इसका एक्सपेक्टेड एनपीवी हाई है डिसीजन क्या हो जाएगा स्टेट विच प्रोजेक्ट इज प्रेफरेबल आंसर इज बी बिकॉज उसका एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या है आपका हाई है सही आंसर बहुत ही इजी है खाली एक एडजस्टमेंट है आपका जो आपने कैपिटल बजटिंग सीखा था ना जो आपने कैपिटल बजटिंग सीखा था उसी का एक ये फर्दर एडजस्टमेंट है जो आपने कैपिटल बजटिंग सीखा था ना फ्रेंड्स उसी का एक ये फर्दर एडजस्टमेंट है वही कैपिटल बजटिंग का फर्दर एडजस्टमेंट है कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 1 लाख कस्टमर मिलेंगे डीकेसी की ब्रांड से राइट हर कस्टमर मुझे 12 ये तो एक अपने एग्जाम्पल लिया है कोई बड़ी कंपनी भी हाथ मार सकती है ये बस राइट नाउ अभी आपको एग्जाम्पल क्यों नहीं समझ में आएगा क्योंकि डीकेसी इज नॉट पॉपुलर यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस रिलायंस लोगों को बोले कि भाई आप हमारा लोगो यूज करिए आप हमारा नाम यूज करिए और आप हमें मंथली पेमेंट कर दीजिए करके ना देखो कितने लोग ले लेंगे करके तो आपको समझ में आएगा कंसेप्ट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ हम दानी की कॉस्ट आज की डेट में भी मेरे पास कितने सारे इन्वेस्टर हैं करके ना वो बोलते हैं आप हमको दानी की कॉस्टिंग और आपका ये कंसेप्ट है इसको बेच दीजिए करके मैं चाहूँ तो मैं भी सार्क सोनी टीवी वाले प्रोग्राम में सार्क के पास जा सकता हूँ कि मेरे को पैसा चाहिए लेकिन हमको नहीं चाहिए अरे यार दम तो तब है जब सार्क आपको अप्रोच करेगा कि यार आपका कॉन्सेप्ट ये सुना था यूट्यूब पे जैसे मोम की मोम होती है नानी लाइफ के लिए जरूरी पानी ऐसे कॉस्टिंग में प्रोफेसर दानी सर आपका ये कॉन्सेप्ट सुना था अरे वी वॉन्टेड टू इन्वेस्ट हम सार्क के पास नहीं जाएंगे सार्क हमारे पास आएगा तो कॉन्सेप्ट में दम है कॉन्सेप्ट में कब दम है जब सार्क हमारे पास आएगा और बोलेगा कि वी वॉन्टेड टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी वी वॉन्टेड टू कॉन्सेप्ट मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट मैंने सोचा है वो देखिए करके ना आप एग्जाम्पल लीजिए कि रिलायंस आज की डेट में ये बोले कि आप हमें 1,000 रुपये महीने दीजिए राइट और आप हमारा नाम यूज करिए करके ना आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं करके आप हमारा नाम यूज करिए ऐसे ही हम डीकेसी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आप करके आपको एक फेथ आएगा नहीं यार धानी की कॉस्टिंग करके और वो कब आएगा आपको समझ में जब डीकेसी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा अगर ओके तो यहाँ पे ये आपका कंसेप्ट हो जाएगा सही है सोनो फ्रेंड अब आप आ जाइए दिस इज योर इलस्ट्रेशन 2 एंड पेज नंबर 8.2 प्रोबेबिलिटीज फॉर द नेट कैश फ्लो फॉर 3 ईयर्स ऑफ ए प्रोजेक्ट आर एस फॉलोज ईयर 1 ईयर 2 एंड ईयर 3 कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर रेट इफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 10,000 इसका मतलब आपका आउटफ्लो कितना है 10,000 और आपको इनफ्लो मिलेगा बराबर है तो इनफ्लो मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है एक्सपेक्टेड इनफ्लो और ये एक्सपेक्टेड इनफ्लो आपको 3 साल तक मिलेगा ईयर 1 ईयर 2 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 उसके डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करो 10,000 से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सही है सुनो फ्रेंड्स आइडिया आया कि नहीं आया आपको बोलो दिस इज योर इलस्ट्रेशन 2 8.2 प्रोबेबिलिटीज फॉर द नेट कैश फ्लो फॉर 3 ईयर्स ऑफ ए प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज ओके आ जाइए आप इट मीन्स कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू इट मीन्स स्टेटमेंट
showing statement showing net present value. Net present value, right? ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ईयर वन, ईयर टू एंड ईयर थ्री, बराबर है। ये आपका कैश फ्लो 2000 कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी, ये आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ जाएगा, राइट। 2000 मल्टीप्लाई बाई 0.1 एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 2000, देन 4000 मल्टीप्लाई बाई 0.2 800, देन 6000 मल्टीप्लाई बाई 0.3 इज 1800, एंड देन 8000 इंटू 0.4 इज 3200, आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, आपका इनफ्लो कितना है वो आपको आ जाएगा एक्सपेक्टेड। इट मींस 2000 मल्टीप्लाई बाई 0.1 इज 200, 200 प्लस 800 प्लस 1800 प्लस 3200 इज 6000 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। फर्स्ट ईयर का निकाल लेंगे, पहले अपन कैश फ्लो ले लेते हैं। 2000 4000 6000 8000 2000 4000 6000 8000 into 0.2 0.3 0.4 0.1 0.3 0.4 0.2 0.1 All right friends, so this is 2000 into 0.2। सबसे बेस्ट पार्ट कि आपके पास सॉल्यूशन है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4000 इंटू 0.3 1200, 6000 इंटू 0.4 इज 2400, 8000 इंटू 0.1 इज 800, 400 प्लस 1200 प्लस 2400 प्लस 800 इज 4800, ऑलराइट। एंड देन 2000 इंटू 0.3 इज 600, 4000 इंटू 0.4 इज 1600, 6000 इंटू 0.2 इज 1200, 8000 into 0.1 is 800, 600, 1600, 1200,
800 is 4200, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 110 इंटू इंटू 0.909 0.826 0.751, प्रेजेंट वैल्यू 6000 इंटू 0.909 5454 4800 इंटू 0.826 3965 4200 इंटू 0.751 3154, सो द टोटल विल बी 5454 3965 3154 इज 12573 less present value of outflow. What is your outflow? Is 10,000. So your expected NPV minus 10,000 is 2573. Expected NP is 2573. Say yes or no. Bolo yes. Kya kya de rakha aapko? Year 1, year 2, year 3. Expected cash flow. Cash flow multiply by probability aapka ye aa gaya. Multiply by ye aapka future value hai. Humko decision aaj ki date mein lena hai. So what is your present value? Your present value will be this. उसमें से present value of outflow आप minus कर दो, आपका क्या आएगा? Expected NP. So yes or no, friends? Say yes or no, friends? All right. अब एक नया कंसेप्ट आता है फ्रेंड्स आपका, दिस इज योर इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 8.3. कैलकुलेट द वेरियंस, कैलकुलेट द वेरियंस. अब व्हाट इज वेरियंस? वेरियंस अभी आप फॉर्मूला समझ लो, टेक्निकली अपन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. पहले फॉर्मूला पार्ट को आप देख लीजिए. एक्स जो आपको कैश फ्लो दे रखा माइनस एक्सपेक्टेड इनफ्लो, माइनस एक्सपेक्टेड इनफ्लो इनटू प्रोबेबिलिटी विल गिव यू द एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी विल गिव यू द वेरियंस. ओके, एंड रूट ऑफ वेरियंस करेंगे तो हमें क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन. डेविएट कितना डेविएट करेगा अपना कैश इनफ्लो दैट. तो वेरियंस पहले आपका क्या आ गया बोलो फ्रेंड्स? वेरियंस इक्वल टू एक्स एक्सपेक्टेड इनफ्लो स्क्वायर प्रोबेबिलिटी वेरियंस एंड एस डी से करेंगे तो ये. आप देखिए जरा फॉर्मूला आपको याद रखना है फ्रेंड्स. तो इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 8.3, इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 8.3. कैलकुलेट वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. आपके पास पॉसिबल इवेंट हैं, आपके पास कैश फ्लो है, आपके पास प्रोबेबिलिटी है, प्रोजेक्ट बी है, कैश फ्लो है, प्रोबेबिलिटी है. मैंने आपको क्या बताया? एक्स. एक्स के बाद आप निकालिए आपका एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड इनफ्लो, माइनस करिए स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी करेंगे आपको क्या आएगा? वेरियंस. और रूट को वेरियंस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड. पहले कैलकुलेशन पार्ट आप प्रॉपरली समझ लीजिए, ठीक है? देखो जरा फर्स्ट
कैसे निकालेंगे, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेक्टेड वैल्यू, बराबर ये आपका पॉसिबल इवेंट, देन कैश इनफ्लो, देन प्रोबेबिलिटी, और ये आपका एक्सपेक्टेड इनफ्लो। सही है, सुनो फ्रेंड्स, पॉसिबल इवेंट ए बी सी डी ई, कैश इनफ्लो ये आपका आ जाएगा एक्स, एक्स इज 8000, एक्स इज 10000, एक्स इज 12000, एक्स इज 14000 एंड एक्स इज 16000 इनटू प्रोबेबिलिटी 0.10, 0.20, 0.40, 0.20, 0.10, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया आपका। इट मीन्स 8000 इंटू 0.10 800, 10000 इंटू 0.2 2000, 12000 इंटू 0.4 4800, 14000 इंटू 0.2 2800, 16000.10 is 1600, 800, 2000, 4800, 2800 and 1600 is 12000। ये आपको क्लियर हुआ करें फ्रेंड्स, पहला पॉसिबल इवेंट आपको कैश फ्लो दे रखा है, प्रोबेबिलिटी उससे क्या जाएगा एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, पॉसिबल इवेंट पे ए बी सी 8000, 10000, 12, 14, 16.10, 0.20, 0.4, 0.20, एक्सपेक्टेड वैल्यू ये आपका आ जाएगा। सही है, सुनो बोलो, अगर आप चाहो तो दोनों का पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, या फिर इसका निकाल के इसका भी आप कैलकुलेट द वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो या तो पहले दोनों का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के फिर आप कर सकते हो, या आप वन बाई वन भी कर सकते हो, ठीक है, अगर अपने को करना हो कैलकुलेशन ऑफ वेरियंस। इट मीन्स एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी विल गिव यू द वेरियंस। ये तो आपको सीपीटी से ही पता होगा ना फ्रेंड्स, एक्स हमारा क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 8000 ए बी सी डी ई, 8000 माइनस 8000 माइनस 12000, 8000 माइनस 12000 स्क्वायर इनटू 0.10, 10000, 12000, 20, 12000, 12000 स्क्वायर इनटू 0.4, 14000, 12000 square into 0.2, 16, 12 square into 0.10।
आपको समझा कि नहीं फ्रेंड्स, बोलो। वेरियंस इज एक्स, एक्स आपको ये दे ही रखा है, ये आपका एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू अपन ने निकाल ही दिया था। व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू? बोलो, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी विल गिव यू द एक्सपेक्टेड इनफ्लो। बराबर। सो 8000 माइनस 12000 स्क्वायर 10000, 12000 स्क्वायर 12000, 12000 स्क्वायर 14000, 12000 16000, 12000। तो पहले कैलकुलेशन वाला पार्ट आप स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। इट मींस 8000 माइनस 12000 का स्क्वायर अपन ने किया इनटू 0.10, दिस कम्स टू 16 लैक्स। दिस कम्स टू 16 लैक्स। 10000 माइनस 12000 इनटू किया 0.2 इज 8 लैक्स। ठीक है। देन निल। देन 14 माइनस 12 इनटू किया इनटू 0.4 इज 14 माइनस 12 इनटू किया इनटू 0.2 इज 8 लैक्स। एंड 16000 माइनस 12000 इनटू किया इनटू 0.10 इज 16 लैक्स। आपका क्या आ गया? वेरियंस। और वेरियंस को स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या रूल है? आपका रूट ऑफ वेरियंस। ओके, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पे आ जाएगा 48 लैक्स को रूट कर दो अपना। 48 लैक्स का रूट किया तो 48 लैक्स का स्क्वायर रूट किया तो अपन ने 2190.9। सही है। सुनो बोलो, ये वेरियंस आपके, ओके, एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्स माइनस एक्सपेक्टेड, ये आपका वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। बोलो या सुनो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन में देखो जरा। कैलकुलेट द वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैलकुलेट द वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कैलकुलेशन ऑफ वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये किसका था? प्रोजेक्ट ए। दिस इज फॉर प्रोजेक्ट ए। सही है सर। एग्जैक्टली सेम यू कैन गो फॉर प्रोजेक्ट बी। बोलो, जा सकते हैं? सिमिलरली हम कैसे जा सकते हैं प्रोजेक्ट बी? एग्जैक्टली सेम वे वी कैन गो फॉर प्रोजेक्ट बी। कैलकुलेट द वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी, प्रोजेक्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स ये आपका पॉसिबल इवेंट कैश इनफ्लो, प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड इनफ्लो, वेरियंस प्रोबेबिलिटी वेरियंस। ठीक है। इट मीन्स 24,000, 20,000, 16,000, 12,000, 8,000, 0.10,
0.15 0.50 0.10 एक्सपेक्टेड इनफ्लो आ जाएगा राइट. इट मीन्स 24,000 इंटू 0.10 20,000 इंटू 0.15 3,000 16,000 इंटू 0.5 8,000 12,000 इंटू 0.15 1800. पहले कैलकुलेशन पार्ट को आप एकदम परफेक्ट कर लीजिए राइट, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक टर्म का क्या मीनिंग है राइट. वो तो मॉड्यूल में भी आप पढ़ सकते हैं करके. पहले कैलकुलेशन पार्ट जो एग्ज़ाम में आता है वो पार्ट को एकदम प्रॉपरली आप बराबर से समझ लीजिए. आप अपना टाइम वेस्ट इस पर मत करिए राइट, पहले आप समझ लीजिए ओके. कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए. इनफ्लो है अपने पास, मल्टीप्लाई पर वोल्टी आपने किया, आपको एक्सपेक्टेड इनफ्लो आ जाएगा. सही है सुनो फ्रेंड्स ठीक है. देन 24,000 देन एक्स का वैल्यू अपन को दे ही रखा है ना फ्रेंड्स, ये एक्स ही है ना. 20 देन 16 देन 12 एंड देन 8 16 देन 16 16 16 16 0.10 0.15 0.50 0.50 and 0.10. क्या वेरियंस आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 24,000 माइनस 16,000 इंटू 0.10 एंड दिस कम्स टू 64 लैक्स. देन 20,000 16,000 इंटू 0.15 इज 24 लैक्स. देन 16,000 देन 12,000 16,000 इंटू 0.5 This is point. Point 15 is 12,000 16,000 24 lakhs and 8 minus 16 64 64 plus 24 plus 24 plus 64 1 crore 76 lakhs. Variance 176. स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ वेरियंस 176. इसको रूट कर दो तो फ्रेंड्स आपको आएगा 1 crore 76 lakhs को रूट किया तो 4195.03. सही है सुनो फ्रेंड्स बोलो 24, 16, 20, 16, 16, 16, 12, 16 इसको स्क्वायर रूट किया इनको ये किया ये आपका वैल्यू आ गया 1-1 step करके अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं राइट. क्या क्या अपने को इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ें अपने को दे रखी है
उसके हिसाब से ना अपन सिचुएशन को लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब यहां तक अपन अभी एक्स्ट्रा अपन से क्या पूछ लिया उसने, इनफ्लो के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ लिया उसने और वेरियंस भी पूछ लिया करके ना। ओके सही है सुनो फ्रेंड्स, तो अभी फॉर्मूला पार्ट आपको जरा देखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या क्या है और इसका क्या है। अब आप आ जाइए इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन फोर पेज नंबर 8.4, इलस्ट्रेशन फोर पेज नंबर 8.4, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, पॉसिबल इवेंट कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी, प्रोजेक्ट बी कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है फ्रेंड्स, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मैंने क्या बोला पहले, आप कैलकुलेशन पार्ट में एकदम प्रॉपरली समझ लीजिए राइट, इक्वल टू योर स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए, अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए रूट ऑफ वेरियंस होना चाहिए और रूट ऑफ वेरियंस के लिए एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी का टोटल होना चाहिए। आपको चाहिए क्या, लेकिन आपको निकालना क्या पड़ेगा, याद आ रहा है? आपको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरियंस, रूट ऑफ वेरियंस के लिए एक्स, एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू इनटू दिस, तो गो वन बाई वन। ओके इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग कैश इनफ्लो, या अपन इसको बोल सकते हैं स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो राइट, दिस इज पॉसिबल इवेंट कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो देन कैश फ्लो इनटू प्रोबेबिलिटी इक्वल टू एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, दिस इज ए बी सी डी एंड ई, कैश फ्लो 10,000 12,000
एकदम इजी टॉपिक है ना, इसमें फॉर्मूला बेस्ड है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला में पुट करो, यू गेट द आंसर। फॉर थ्योरी के लिए यू रेफर योर बेस्ट जी आईसीआई मॉड्यूल। आईसीआई मॉड्यूल के अलावा आपको कोई भी चीज़ रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, आईसीआई मॉड्यूल ही आप रेफर करिए। राइट, कैश फ्लो 26, कैश फ्लो 22, कैश फ्लो 18,000, कैश फ्लो 14,000, कैश फ्लो 10,000। मल्टीप्लाई बाई 0.10, 0.15, 0.50, 0.15, 0.10। सही है सुना फ्रेंड्स, इट मीन्स 10,000 इंटू पॉइंट इज 1,000, 12,000 इंटू पॉइंट 2,400, 14,000 इंटू पॉइंट 4,560, 16,000 इंटू पॉइंट 2,3,200, 18,000 इंटू पॉइंट 10, दैट्स 1,800, 26,000 इंटू 2,600, 22,000 इंटू पॉइंट 15 इज 3,300, 18,000 इंटू पॉइंट 5 इज 9,000, 14,000 इंटू पॉइंट 15 इज 2,100, एंड 10,000 इंटू पॉइंट 15 इज 1,500। थर्टी 1,800 इज टोटल 14,000, एंड 2,600 प्लस 3,300 प्लस 9,000 प्लस 2,100 प्लस इज 2,600 प्लस 3,300 प्लस 9,000 प्लस 2,100, दिस इज 1,000 प्लस 1,000 इज 18,000। सही है सुनो फ्रेंड्स, ये आपका क्या आ गया, आपको जाना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में, लेकिन अपने को चाहिए क्या, पहले चाहिए अपने को वेरिएंस। वेरिएंस से अपने को क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से, तो अपने को क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जिस कंपनी का ज़्यादा रहेगा वो कंपनी आपकी क्या रहेगी, रिस्की। जिसका ज़्यादा रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो आपकी क्या रहेगी, कंपनी रिस्की। पहले ये बताइए यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, बोलो। ऑलराइट, अब अपन क्या निकाल सकते हैं, बोलो। वेरिएंस बोलो या सुनो फ्रेंड्स, ये आपको क्या दे रखा है, पॉसिबल इवेंट्स हैं अपने पास। ये आपका कैश इनफ्लो था, मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी किया था, ये तो जस्ट एक्सपेक्टेड इनफ्लो ही निकाला है ना अपन ने, ये एक्सपेक्टेड इनफ्लो ही निकाला है इससे करके ना। योर एक्सपेक्टेड इनफ्लो इज 18,000, एक्सपेक्टेड इनफ्लो इज 14,000। सही है सुनो, ओके। अब आप आ जाइए, दिस इज योर, पहले आप ले लीजिए वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू स्क्वायर इनटू probability will give you the variance, x expected value square probability and variance। a b
ई सही आंसर है फ्रेंड्स। बोलो ए बी सी डी एंड ई। ओके एक्स का वैल्यू है 10,000, एक्स का वैल्यू है 12,000, एक्स का वैल्यू है यही तो है ना अपना एक्स, एक्स मतलब ये वैल्यू अपनी 14, 16। खटाखट एग्जाम में आएगा तो मार्क्स ले लो आप, सोचो मत, सोचने का नहीं इसमें, राइट। 14,000 square, 14,000 square, 14,000 square, 14,000, ये क्रैश कोर्स है आपका, राइट। क्रैश कोर्स में फटाफट अपने को कैसे रिवाइज करने का है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 10, 20, 40, 20, 10 वेरियंस 10,000 लेस 14,000 इंटू 0.10 इज 16 lakhs। Then 12,000, 14,000 into 0.2 is 8 lakhs. Then nil. Then 16,000 minus 14 into 0.2 is 8 lakhs. And 18 less 14 into 16 48 lakhs. So yes or no? Or is this clear or not? Bolo. प्रॉपर आ रहा है समझ में? क्या किया अपन ने? बोलो एक्स, एक्स तो अपन को दे रखी है वैल्यू, सारे एक्स लिख लिए, उसको माइनस किया एक्सपेक्टेड वैल्यू से, एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस कर दिया, सिंपल है ना, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल लेके आप अपने घर जाओ, खत्म। स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी कर दी, आपका क्या आ गया? वेरियंसिस। वेरियंसिस हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसके लिए क्या क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमको क्या चाहिए? वेरिएंस। वेरिएंस के लिए हमको क्या चाहिए? एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड एक्स, दोनों कर लिया, ये वेरिएंस आ गया आपका। रूट करेंगे तो अपना ये आ जाएगा। बोलो या सोनो से नाइस 26, 22, 18, 14, 10 minus 18, 18, 18, 18 into 0.10, 0.15 by 0.1 See yes or no friends? आपके पास x है, x का वैल्यू तो यही दे रखा है ना, x तो यही है ना, ये आपका x आ गया। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया आपका, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका ये आ गया। इट मीन्स 26 माइनस 18 इंटू 0.10 64 lakhs। Then 22 less 18, 24 lakhs. Then nil. Then 14 less 18, 0.15 is 24 lakhs. 10 minus 18 into 10 minus 18 into
0.10 is 64 lakhs. 6400 2400 2400 is 1,76,00,000. Say yes or no? 1,76,00,000. It means x ले लिया अपन ने, सॉरी अपन ने x ले लिया, उसमें से ये माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी, आपका ये वेरिएंस का वैल्यू आ गया. से यस ऑर नो फ्रेंड्स? परफेक्ट. तो ये अभी तक अपना क्या निकला, ये अभी तक अपना निकला वेरिएंस. क्यों चाहिए वेरिएंस? क्योंकि वेरिएंस को रूट करेंगे तभी तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा. वेरिएंस को रूट करेंगे तभी तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा ना हमारे. बोलो राधे राधे बोलो. राइट. अब आप आ जाइए स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ वेरिएंस ए बी. रूट ऑफ वेरिएंस 48 लैक्स. रूट ऑफ वेरिएंस 1,76,00,000. 48 लैक्स का 2,190.9 और 176 का 4,195.23. सही है सुनो. क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन? रूट ऑफ, बोलो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? बोलो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ वेरिएंस. ए का रूट ऑफ वेरिएंस, बी का रूट ऑफ वेरिएंस कर लिया तो आपका ये आ गया. अब अपने को क्या चाहिए? अब अपने को चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये क्या रहेगा? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू. एक्सपेक्टेड वैल्यू तो अपन ने निकाली है ए और बी की. स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है अपना? 2,190 डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या था अपना? 14,000 और बी का एक्सपेक्टेड वैल्यू था अपना 18,000. ओके, इट मींस 2,190.9 डिवाइडेड बाय 14,000 इज 0.1565 और 4,195.23 डिवाइडेड बाय 18,000 इज 0.2330. ओके, इट मींस ये लेस है और ये मोर है रिस्क. और एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी भी ये लेस है और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मोर है. सही है. चलो पहले ये बताओ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू. दिस इज योर ए, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी. 2,190, 14,000 ये आपका ये वैल्यू आ जाएगा. ये लेस, ये मोर, ये लेस और ये मोर. इन द इन प्रोजेक्ट ए रिस्क पर रुपी ऑफ कैश फ्लो इज 0.15 बट वाइल प्रोजेक्ट बी में इट इज 0.23.
बी में आपका क्या है 0.23। ओके, देयरफॉर प्रोजेक्ट ए इज बेटर देन प्रोजेक्ट, इसमें लेस है, इसके लिए ये आपका बेस्ट है, ये आपका बेस्ट है। तो यहां पे हम किस में जाएंगे, प्रोजेक्ट ए में। सही है सर। अब आपको इस पे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप शांति से करिए करके ना, आपको इतना कंफ्यूजन ये वो इतना घुमा के, अरे कुछ नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू, बराबर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमको क्या चाहिए, हमको वेरियंस चाहिए, वेरियंस का रूट करेंगे तो हमें क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। वेरियंस के लिए हमको क्या चाहिए, एक एक्स का वैल्यू चाहिए, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, उसको स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी चाहिए। एक्स का वैल्यू तो अपन को दे ही रखा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी। से यस और नो फ्रेंड्स, बोलो परफेक्टली क्लियर और नॉट। आइडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। बोलो। ऑलराइट, क्या क्या सीक्वेंस में हम लोग गए थे, क्या चाहिए, पहला चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू, किसी लफड़े में मत पढ़ो, फॉर्मूला बाय हार्ट करो जाओ, बराबर है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरियंस, उसको करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरियंस क्या होता है, एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी करेंगे तो वेरियंस आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, वैल्यू मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी, ये आपका यहाँ आ जाएगा। सो यस और नो फ्रेंड्स, ये दिस इज जस्ट लाइक एक्सटेंशन ऑफ योर लाइक यू नो दैट कैपिटल बजटिंग, आपका क्या है, एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल बजटिंग है आपका करके ना। ऑलराइट, अब आप आ जाइए इलस्ट्रेशन 5 पे, एक नया कंसेप्ट आपको सिखाते हैं। इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 8.5, इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 8.5। एन एंटरप्राइज इज इन्वेस्टिंग 100 lakhs इन ए प्रोजेक्ट, कितना पैसा डाल रहा है, 100 lakhs। इलस्ट्रेशन 5 8.5, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 7%, रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्टेड बाई द मैनेजमेंट इज 7%, द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years, फॉलोइंग आर द कैश फ्लो दैट आर एस्टिमेटेड ओवर द लाइफ इज, ईयर 1, 2, 3, 4, 5 कैश फ्लो दे रखा है, कैलकुलेट द नेट NPV ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन रिस्क फ्री रेट एंड ऑल्सो ऑन बेसिस ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट फैक्टर। देखो आपको बताएंगे, आपके पास सपोज 1 lakh rupees पड़ा है और आप मेरे को बोलते हो सर वॉट इज माई रेट ऑफ रिटर्न, आपके पास 1 lakh rupees पड़ा है और आप मेरे को पूछते हो सर वॉट इज माई रेट ऑफ रिटर्न, मैं क्या आपको जवाब दूँ, मैं बोलूँगा भाई तेरे को रिस्क लेना है क्या, आप बोलते हो नो, तो गो टू पोस्ट ऑफिस, तेरे पैसे को डाल दे, गवर्नमेंट की गारंटी है, तेरे को वहाँ पर 3% मिल जाएगा। आप बोलते हो नहीं सर आई वॉन्टेड टू टेक द रिस्क, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सिखाएंगे बीटा के टाइम CAPM थ्योरी एंड ऑल ना, वहाँ पे रिस्क फैक्टर है। तो अगर आप रिस्क में डालते हो, आप बोलते हो मेरे को शेयर मार्केट में डालना है, तो आपका रिटर्न प्रीमियम मिलेगा, लेकिन वो प्रीमियम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिस्क पे। तो यहाँ पे आपको दो रेट दे रखी है, रिस्क फ्री रिटर्न आपको दे रखी है 7% क्वेश्चन में, रिस्क फ्री आपको क्या दे रखी है 7%, और उसने क्या बोला है एंड रिस्क प्रीमियम, अगर आप रिस्क लोगे तो देन देर इज ए प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 7 + 7, इसका मतलब क्या हो जाएगा 14%। तो एक आपको NPV निकालना है, दो रेट हो गई, एक आपके रिस्क फ्री से दिस इज 7% से आपको NPV निकालना है, और एक रिस्क प्रीमियम इट मीन 7 + 7 14%, और उससे आपको NPV निकालना है। सो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो जरा, इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग NPV,
statement showing NPV, right? This here 1, 2, 3, 4, 5 case inflow discounting factor 7% present value discounting factor 14% 14% present value, right? All rupees in lakhs. क्या इनफ्लो है आपको 25, 60, 75, 80, 65 पीवी आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर 7% निकालो जरा बोलो 100 / 107 सिखाया था ना इनटू इनटू पहला आएगा आपका 0.935 इक्वल टू 0.816, 0.716, 0.713 ओके सो 0.76, 0.75 into 0.76, 61.2, 80 into 0.736, 61.04, 65 into 0.713, 46.345, 23.375, 52.5, 23.375, 52.38, 61.2, 61.04, 46.345, 244.34. All right, friends. और अगर अपन इस पे जाएं तो 25, 60, 75, 80 इसमें मल्टीप्लाई तो करना है खाली आपको एक रिस्क प्रीमियम से प्रीमियम क्यों मिलेगा अगर आप रिस्क लोगे बीटा वाला मैं कौन सा बताऊंगा आपको एट द टाइम ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में है अपना चैप्टर में ना बीटा फैक्टर CAPM थ्योरी कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल ओके आपको ये भी तो इम्पोर्टेंट है कौन सा टॉपिक पहले पढ़ने का कौन सा बाद में पढ़ने का फर्स्ट लीवरेज से हमने स्टार्ट किया लीवरेज के बाद हम लोग आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पे गए कैपिटल स्ट्रक्चर बाय इन्वेस्टमेंट प्लान पे गए इन्वेस्टमेंट बाय अनसर्टेनिटी पे गए अब अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिविडेंड मॉडल वर्किंग कैपिटल और वो वाले ले लेंगे करके ना लास्ट में रेशियो एनालिसिस करके ना सब चीज़ का निचोड़ है 100 / 114 × 0.8 पहला आएगा 0.875, 0.695, 0.695, 21.925, then 60 × 0.769, 46.14, 75 × 0.675, 50.625,
189.29 to 47.36, 65 into 0.596, 65 into 0.596, 65 into 0.596, 60 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 into 0.596,
बोलो यस नो फ्रेंड्स, ये आपका क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 199785, देन माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना है आपका, 100 लैक्स। या मैं 100 माइनस कर दिया, बाकी का जो बचेगा दैट इज व्हाट योर एनपीबी। सो 244.34 माइनस 100 इज 144.34, 199.785 माइनस 100 इज 99.785। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हलवा है आपके आपके पॉकेट में आएगा ये करके ना। क्या पूछ रहा है, एन एंटरप्राइजिंग इज इन्वेस्टिंग 100 लाख रुपीज। 100 लाख रुपीज वो कहां पे डाल रहा है, प्रोजेक्ट के अंदर डाल रहा है, बराबर। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 7%। अगर आप रिस्क फ्री का मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में अगर आप डाल दोगे, गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले रही है कल को आपका पैसा डूबा तो हमारी जिम्मेदारी, तो आपको कितना मिलेगा, 7%। रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजमेंट इज 7%। आप शेयर मार्केट में डालते हो तो 7 + 7 आपका क्या हो जाएगा, 14। द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 ईयर्स, 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स। फॉलोइंग इज द कैश फ्लो, कैश फ्लो आपको दे रखा है फर्स्ट ईयर में 25, 60, 75, 80, 65 मल्टीप्लाई 7% से अपन ने निकाल लिया कैलकुलेटर पे, नहीं तो आप टेबल यूज कर सकते हो। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनपीवी, राइट, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनपीवी। सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर है, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी, बराबर। दिस फ्री पे भी हो गया, 7% पे क्या आएगा, और प्रीमियम के साथ लोगे तो आपको क्या आएगा करके ना। एक आपका और कंसेप्ट आता है, उसको बोलते हैं सर्टेनली इक्विपमेंट, सर्टेनली इक्विवेलेंट, मीन्स आपको मिलेगा ही मिलेगा इतना पैसा, सर्टेन है एकदम करके ना। तो वो कैसे निकालेंगे, इलस्ट्रेशन 6 जरा आप देख लीजिए, दिस इज योर इलस्ट्रेशन 6, पेज नंबर 8.6। सर्टेनली इक्विपमेंट मीन्स इक्विवेलेंट मीन्स आपको सर्टेनली इक्विपमेंट मीन्स पैसा इतना मिलेगा ही मिलेगा, इस गारंटी है, सर्टेन है करके ना, सर्टेन है आपका काम हो जाएगा करके। 6 पेज नंबर 8.6, इफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कॉस्ट 45 लैक्स, कितने का कॉस्ट है अपना 45 लैक्स, ये तो आपका 100% श्योर है पैसा चला जाएगा 45 लाख। रिस्क फ्री रिटर्न है आपका एट द रेट ऑफ 5%, इसका मतलब ये अपने को कहां काम आएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर में। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू अंडर सर्टेनली इक्विवेलेंट टेक्निक, प्लीज अंडरलाइन दैट, सर्टेनली इक्विवेलेंट टेक्निक, इसका मतलब जो आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है मल्टीप्लाई बाई सर्टेनली इक्विवेलेंट, इसका मतलब 100% वो पैसा आपको मिलेगा ही करके। अब मुझे मालूम है मेरे को 1 लाख कस्टमर चाहिए जो डीकेसी नेम यूज करेंगे, डीकेसी का नेम जो यूज करेंगे, ऐसे 1 लाख कस्टमर बोलते हैं, लेकिन बोलता नहीं आपको 20% ही मिलेगा, दैट इज तो गारंटी है, सर्टेनली इक्विपमेंट है, राइट। तो देखो जरा कैसे निकालेंगे, दिस इज
स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू अंडर अंडर सर्टेनली इक्विवेलेंट टेक्निक सीईटी अंडर सर्टेनली इक्विवेलेंट टेक्निक स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी अंडर सर्टेनली इक्विवेलेंट टेक्निक इट मीन्स ईयर 1, 2, 3, 4 expected cash flow is 10 lakhs 15 lakhs 20 lakhs 25 lakhs into certainly equivalent technique is कोएफिशिएंट सर्टेनली इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट है आपका 0.9, 0.85, 0.82 and 0.78 मीन्स इतना पैसा 10 लाख इंटू 0.9 मीन 9 लाख रुपीज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इंटू अब ये मिलेगा एक साल के बाद तो आज की डेट में क्या वैल्यू है इसका इसका मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 5% तो ये आपका क्या आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इट मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 0.95 0.81, 0.86, 0.83, 0.87 ले लो इट मीन्स 10 lakhs, 0.9, 0.95, 8 lakh 55 15 lakhs into 0.85 into 0.91, 1160 to 60 then 20 lakhs into 0.82, 0.87 14, 26, 800 then 25 lakhs into 0.78, 18, 500, 855, 1160, 260, 14, 26, 800, 16, 18, 500, 50, 60, 560 60, 560, 550 11, 60, 250, so 855, 1160, 250, 14, 26, 800, 16, 18, 500, 50, 60, 550, 50, 60, 550 and your outflow present value of outflow is 45 lakhs NPV under 560, 550
अंडर सर्टेनिटी, मतलब देखो आप जब सीए फाइनल में आओगे ना तो आपको एक टॉपिक हम सिखाएंगे टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो अगर आपको क्वालिटी करना है तो उसका कॉस्ट रहता है करके, अगर आप कॉस्ट इनकर करोगे तो आपको क्वालिटी मैनेज होगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा, आपको सर्टेनली इक्विपलेंट में जाना तो सर्टेनली इक्विपलेंट जस्ट लाइक ए टीक्यूएम आपको देखना पड़ेगा। आपको लोगों से पूछना पड़ेगा, यार ये हम डीकेसी नाम के साथ जा रहे हैं, धानी की कॉस्टिंग के नाम के साथ जा रहे हैं, लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, सर्वे कराना पड़ेगा एक एक आदमी, तब जाके आपको ये लगेगा। तो उसकी कॉस्ट लगेगी आपको करके ना सर, तब आपको डिसीजन आया नहीं यार सर्टेनली इक्विपलेंट इतना आएगा करके, इतना पैसा मिल ही जाएगा करके ना। आर यू गेटिंग नॉट फ्रेंड्स? ओके, तो इतना आप कर लीजिए, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।